हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे IBPS PO प्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये रियल क्वेश्चंस हैं। ये पेपर हुआ था 21 अक्टूबर 2018 को। तो इन रियल क्वेश्चंस की मदद से आपको जो फोर्थ कमिंग बैंकिंग एग्जाम्स हैं उनके क्वेश्चंस को समझने में मदद मिलेगी, और किस तरीके से उन क्वेश्चंस को आपको अप्रोच करना है, किस तरीके से समझना है, ये हम सारा डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट examinee.in पर मेरे फ्री ब्लॉग्स इंग्लिश सेक्शन से रिलेटेड बैंकिंग और SSC एग्ज़ाम के ये पढ़ सकते हैं, और इनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको साइट पर जाना है, आपको साइट पर जाके सीधा ब्लॉग सेक्शन में जाना है। इसके लिए आपको लॉगिन या साइनअप करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे ब्लॉग सेक्शन में, ऊपर ब्लॉग सेक्शन में जाके वहाँ पर आप इन सारे ब्लॉग्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन रियल क्वेश्चंस को। देखिए, ये हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन, और ये प्री एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और प्री एग्ज़ाम में देखिए, जिस तरह से मैं क्वेश्चंस आपको कराता हूँ, रियल क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस की यदि आप सफिशियंट प्रैक्टिस करते हैं तो 30 में से 20 नंबर, 18 से 20 नंबर आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम के प्री में। तो प्री में नॉर्मली आपकी स्पीड चेक की जाती है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि प्री में आपकी स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी चेक की जाती है। और आपकी स्पीड और एक्यूरेसी तभी बनती है जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें देखिए, इकोनॉमिस्ट दीना खतखते, हु विल पास अवे एट द एज ऑफ 92 ऑन सेप्टेम्बर 15 इन मेरीलैंड इन द US, वॉज एन अनयूजुअल मैन। वह एक अनयूजुअल मैन थे, यानी वह, उनकी डेथ हो चुकी है, वो पास अवे हो चुके हैं। पास अवे का मतलब है कि उनकी डेथ हो चुकी है। तो चूंकि हम यहाँ पर पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, वॉज का हम प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हम बोलेंगे हु पास्ड अवे, हु शैल पास अवे नहीं होगा। और यहाँ पर हु विल पास अवे एट द एज ऑफ 92, विल तो इसमें बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि पास अवे जो फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी व्यक्ति का मर जाना या डेथ हो जाना, नॉर्मली हम पास्ट टेंस में ही यूज़ करते हैं, फ्यूचर में इसका यूज़ कभी भी नहीं होता है। प्रेजेंट टेंस में भी इसको हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते, इसको हम केवल और केवल पास्ट टेंस में ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हु हैज़ पास्ड अवे भी नहीं होगा, इसको हम प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ नहीं करते। हु हैज़ पास्ड अवे मतलब जो मर चुके हैं, ठीक है, ये मतलब होगा। लेकिन हु हैज पास्ड अवे एक्चुअली ग्रामेटिकली सही है, लेकिन इस पर्टिकुलर सेंटेंस में इसको यदि आप रिप्लेस करते हैं तो यहां पर आपका सही आंसर जो होगा वो होगा हु पास्ड अवे, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट टेंस, हु पास्ड अवे, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर होगा ओनली फर्स्ट। इसमें इस तरह के ऑप्शंस आते हैं, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड और थर्ड। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपकी आपकी कॉन्सेप्ट चेक की जाती है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, ठीक है। और बैंकिंग एग्जाम में प्री और मेंस दोनों में ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है यदि आप इंग्लिश सेक्शन में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर चूंकि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं और पास अवे को हम नॉर्मली पास्ट टेंस में ही यूज़ करते हैं, इसलिए हम बोलेंगे हु पास्ड अवे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। माइसोगाइनिस्ट इज ए पर्सन और मीसोगाइनिस्ट इज ए पर्सन हु इज हेटिंग वीमेन। अब देखिए, यहाँ पर भी आपकी कॉन्सेप्ट चेक हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि मीसोगाइनिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो विमिन से, यानी औरतों से नफरत करता है। तो यहाँ पर हम एक यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक ऐसे एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं जो इस समय चल रहा है, क्योंकि यदि किसी की थिंकिंग है, यदि किसी की ओपिनियन की जब आप बात करते हैं तो ओपिनियन जो होता है वो एक तरीके से यूनिवर्सल ट्रुथ या फैक्ट की तरह होता है, वो जो कि हर सिचुएशन में अप्लाई होता है। तो मीसोगाइनिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो औरतों से नफरत करता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे हु इज हेटिंग के स्थान पर आप क्या बोलेंगे, हु हेट्स विमिन, ठीक है। तो हु हैव हेट, अब देखिए इसमें कितने सारे ऑप्शन दिए हैं, हु आर हेटिंग, हु हैव हेट, तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं, और इसका आंसर होगा थर्ड, यानी फर्स्ट सेकेंड इसमें ऑप्शन में नहीं आएगा, इसका आंसर होगा ओनली थर्ड, यानी फोर्थ आपका आंसर होगा इसमें। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है, इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। और मेरे जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं उसमें बहुत डिटेल में इन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करता हूँ, और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आपको स्टडी मटेरियल में मिलता है। तो इसके बारे में मैं अभी डिटेल में आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। कुछ नए हमने टारगेट बैच अभी स्टार्ट किए हैं। अब देखिए, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को, समीरा इज़ द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग हार्ड मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। यहाँ पर दो लड़कियों की बात हो रही है, दो पर्टिकुलर लड़कियों की बात हो रही है, ठीक है। अब जैसे दो का जो ग्रुप है तो पर्टिकुलर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि समीरा, दो लड़कियाँ जो हैं उसमें से समीरा बेटर है।
तो दो पर्टिकुलर लड़कियां होंगी तभी तो हम बोलेंगे कि समीरा उसमें से बेटर है। मतलब जो ग्रुप है लड़कियों का, दो लड़कियों का जो ग्रुप है वो पर्टिकुलर है, और बेटर वाली जो है वो भी पर्टिकुलर है, क्योंकि तो बेटर एक ही होगी उसमें से, इसलिए वो पर्टिकुलर है। तो इसलिए हम बेटर से पहले भी इसमें दा लगाएंगे, और टू गर्ल्स ये भी स्पेसिफिक हैं, इसलिए इससे पहले भी हम यहाँ पर दा लगाएंगे। तो समीरा इज़ द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, समीरा इज़ द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, यहाँ पर ये सही है। और चूंकि ये सही है इसलिए इसमें आपका आंसर होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, यानी फिफ्थ इसमें आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। देर आर टू नॉवेल्स विच नीड टू बी रेड बिफोर द एग्जाम बट नीदर वन आर इंटरेस्टेड। यहाँ पर भी अगेन आपका कॉन्सेप्ट चेक हो रहा है कि नीदर कहाँ पर यूज होता है, ईदर कहाँ पर यूज होता है। देखिए, ईदर और नीदर को हम केवल और केवल दो व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज करते हैं, दो से ज़्यादा के लिए नहीं। दो से ज़्यादा के लिए हम पॉजिटिव सेंस में एनी का प्रयोग करते हैं और नेगेटिव सेंस में हम नन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो नीदर का मतलब होता है नीदर ए नॉर बी, ना तो ए और ना ही बी, मतलब एक बार में हम एक ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं। क्योंकि एक बार में हम एक ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं इसलिए इसके बाद जो वर्ब आती है वो आती है सिंगुलर। ठीक है, नीदर वन इज इंटरेस्टिंग। अब देखिए, देर आर टू नॉवेल्स विच नीड टू बी रेड बिफोर द एग्जाम, मतलब मेरे पास दो उपन्यास हैं जिनको एग्जाम से पहले पढ़े जाने की जरूरत है, लेकिन दोनों में से एक भी इंटरेस्टिंग नहीं है, बट नीदर वन इज इंटरेस्टिंग। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका आंसर होगा नीदर वन इज इंटरेस्टिंग, इसमें आर नहीं आएगा, यानी सेकेंड आंसर होगा। अब देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है, नीदर वन हैज इंटरेस्टेड। यदि इसके आगे ऑब्जेक्ट होता यहां पर मी या यू या और कुछ होता तो आप बोल सकते थे नीदर वन हैज इंटरेस्टेड मी, मतलब दोनों में से एक ने भी मुझे इंटरेस्ट नहीं किया है या मुझको आकर्षित नहीं किया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए नीदर वन हैज इंटरेस्टेड मी होता, यदि मी होता यहां पर तो नीदर वन हैज इंटरेस्टेड नहीं होगा, यहां पर होगा नीदर वन इज इंटरेस्टिंग। तो केबल और केबल सेकेंड इसमें आपका सही है, नीदर वन वर इंटरेस्टिंग, तो ये तो इसमें प्लूरल वर्ब दे दी। तो यहां पर देखिए किस तरीके से एग्जामिनर आपके कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, इसमें आपका आंसर होगा ओनली सेकेंड, तो आपका आंसर होगा फोर्थ, क्योंकि ओनली सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो फोर्थ में दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। देखिए, ये फिलर के क्वेश्चन हैं और ये रियल क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे, सेम इसी तरीके के क्वेश्चन आपको SBI PO प्री में आपको देखने को मिलेंगे, और काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं यदि आपके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। होम मेड गिफ्ट कैन बी कंप्लीटली टू वॉट द रिसिपियंट लाइक्स, इस सेंटेंस का मतलब क्या है। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि गिफ्ट्स होती हैं, हम किसी को गिफ्ट देते हैं उसके बर्थडे पर या किसी एनिवर्सरी पर, तो यहाँ पर होम मेड गिफ्ट की बात हो रही है, ऐसी गिफ्ट जिनको घर में बनाया जाता है। होम मेड गिफ्ट कैन बी कंप्लीटली, मतलब होम मेड गिफ्ट ऐसी हो सकती हैं। अब कैसी हो सकती है, ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो इसको इसको डिफाइन करेगा। टू व्हाट द रिसिपिएंट लाइक्स, मतलब होम मेड गिफ्ट को हम रिसिपिएंट की लाइकिंग के अकॉर्डिंग, रिसिपिएंट के टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, और ये बात सही भी है क्योंकि रेडीमेड गिफ्ट्स में आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन होम मेड गिफ्ट में आपको अगर पता है कि एक व्यक्ति को ऐसी गिफ्ट पसंद है या ऐसी उसकी लाइकिंग है या ऐसा उसका टेस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं टेलर्ड। टेलर्ड का मतलब होता है एक कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग, उसकी उसकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसकी लाइकिंग के अकॉर्डिंग, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को चेंज करना और उसको टेलर मेड बनाना। कैसा बनाना, टेलर मेड बनाना। तो यहाँ पर टेलर का वर्ब की तरह यूज़ हुआ है और यहाँ पर होगा कम्प्लीटली टेलर्ड, क्योंकि यहाँ पर कैन बी लिखा हुआ है तो कैन बी के साथ यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आ सकती है, कैन वी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आ सकती है, और टेलर जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा टेलर्ड, कैन बी टेलर्ड, मतलब उसको मॉडिफाई करके जैसा जैसा रिसिपिएंट चाहता है उस तरीके से हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सेकंड। सारी सारे क्वेश्चंस में देखिए किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स आपके चेक किए जा रहे हैं, और सिंपल क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस में, मतलब बैंकिंग PO एग्जाम में आप आसानी से 18 से 20 नंबर आप आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है।
यदि आप आरसी छोड़ देते हैं, सपोज आरसी आता है, आरसी छोड़ देते हैं आप और क्लोज टेस्ट छोड़ देते हैं, उसके बावजूद भी ये जो क्वेश्चन है नॉन आरसी और नॉन क्लोज टेस्ट, इसमें आप 18 से 20 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। और 18 से 20 नंबर यदि आप लाते हैं तो आपका सेक्शनल और ओवरऑल दोनों ही कट ऑफ बहुत ही आसानी से आपका निकल जाता है किसी भी बैंकिंग एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको आरसी नहीं करना है या क्लोज टेस्ट नहीं करना है, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक सिचुएशन को इमेजिन करके चल रहा हूँ कि यदि आप आरसी को छोड़ भी देते हैं, क्लोज टेस्ट को छोड़ भी देते हैं, फिर भी इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, 20-22 क्वेश्चन इस तरह के आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, आफ्टर मच थॉट टेड नॉट टू ट्रेवल अब्रॉड दिस समर, मतलब काफ़ी सोच विचार के बाद, आफ्टर मच थॉट मतलब काफ़ी सोच विचार के बाद, टेड यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है टेड। अब देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस को देखने से पता पड़ रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट में है, ठीक है, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस को हम प्रेजेंट में नहीं ले सकते। आफ्टर मच थॉट, यहाँ पर हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि उसने काफ़ी सोच विचार किया और उसके बाद उसने कुछ किया, उसने कुछ डिसीजन लिया, ठीक है। तो आफ्टर मच थॉट टेड नॉट टू ट्रेवल अब्रॉड दिस समर, तो यहाँ पर क्या वर्ड आना चाहिए, रिजॉल्व्ड आना चाहिए, कंक्लूड्स आना चाहिए, यहाँ पर आपको पास्ट टेंस का वर्ब चाहिए। तो पास्ट टेंस केवल रिजॉल्व में है और आपका पास्ट में है। टेड पास्ट अगर आप बोलेंगे तो क्या मतलब निकलेगा, कोई सेंस नहीं निकलेगा, ये सेंसलेस है। कमेंस का कोई मतलब नहीं है, रिजॉल्व का कोई मतलब नहीं है, इसके अलावा ये प्रेजेंट टेंस में भी है, आपको पास्ट टेंस की वर्ब चाहिए यहाँ पर। तो पास्ट टेंस की वर्ब यहाँ पर रिजॉल्व है और इसका सेंस भी निकल रहा है, इसका सेंस इसलिए निकल रहा है क्योंकि जैसे हम न्यू ईयर पर रेजोल्यूशन लेते हैं, मतलब एक अपने आप से हम एक प्रॉमिस करते हैं कि हम इस काम को करेंगे या इस काम को हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो आफ्टर मच थॉट टेड रिजॉल्व्ड, टेड ने रिजॉल्व किया, टेड ने अपने आप से प्रॉमिस किया कि नॉट टू ट्रेवल अब्रॉड दिस समर, वो इस समर अब्रॉड में ट्रेवल नहीं करेगा। तो यहां पर सही वर्ड होगा आपका रिजॉल्व्ड, ठीक है। यहां पर ब्रायन इज इन हिज बिलीफ दैट द अर्थ इज फ्लैट, ब्रायन जो है, ब्रायन का विश्वास है, ब्रायन अपने विश्वास में कैसा है ये यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, दैट अर्थ इज फ्लैट, ब्रायन ये मानता है कि अर्थ जो है वो फ्लैट है। तो ब्रायन इज टेंटेटिव तो आप बोल नहीं सकते क्योंकि टेंटेटिव का मतलब होता है प्रोविजनल, जो चीज फाइनल नहीं है उसको हम बोलते हैं टेंटेटिव। हैसन का मतलब होता है जल्दी करना, अनलाइकली जिसकी संभावना नहीं है, प्रोवाइडेड शर्त के लिए आता है, कॉन्फिडेंट आप बोल सकते हैं, ब्रायन इज कॉन्फिडेंट, मतलब ब्रायन को पूरा विश्वास है कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, ब्रायन इज कॉन्फिडेंट इन हिज बिलीफ दैट द अर्थ इज फ्लैट। तो यहां पर कॉन्फिडेंट आपका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नूडल मेकर was in making his noodles and would never let another person take over the task. यदि इसका मतलब समझ में आ जाता है आपको तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, would never let another person take over the task, मतलब वह किसी दूसरे व्यक्ति को अपने काम के बीच में नहीं आने देता था, वो ऐसा नहीं चाहता था कि इस काम को कोई दूसरा व्यक्ति टेक ओवर कर ले, इसलिए वो उस काम को कैसे करता था, यदि आप कॉमन सेंस लगाएं तो यहां पर एक वर्ड आएगा जो सावधानी पूर्वक के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, क्योंकि यदि आप अपने काम को मन लगा के करते हैं, सावधानी पूर्वक करते हैं, तो आप किसी नहीं चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति उसको टेक ओवर करे, तो इसलिए यहां पर सावधानी पूर्वक का रिलेटेड वर्ड आपको चाहिए। सावधानी पूर्वक का रिलेटेड वर्ड इसमें है कॉसस, क्योंकि केयरलेस तो नेगेटिव वर्ड है, नेग्लिजेंट नेगेटिव वर्ड है, एक्साइटिंग नहीं आएगा, मेकर वॉज एक्साइटिंग, एक्साइटेड होता तो आ सकता था, ठीक है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से आपको आपके आपके कॉन्सेप्ट को चेक किया जा रहा है, यहाँ पर आपको पार्ट ऑफ स्पीच की भी नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड नाउन है, तो वॉच के बाद यहाँ पर आप एडजेक्टिव लगा सकते हैं लेकिन एक्साइटिंग एडजेक्टिव नहीं है, एक्साइटेड अगर होता तो हो जाता, नूडल मेकर वॉज एक्साइटेड, ठीक है, एक्साइटिंग के बाद नाउन होना जरूरी है, एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, तो उस सेंस में इसको आप यूज कर सकते हैं। और इन अटेंटिव मतलब केयरलेस, तो केयरलेस, नेग्लिजेंट और इन अटेंटिव ये तीनों ही सेम वर्ड हैं, तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कॉसस, ठीक है। कॉसस मतलब जो कॉशन लेता है, कॉशन लेता है मतलब जो सावधानी पूर्वक किसी काम को करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इफ इट वर नॉट फॉर द सर्कमस्टेंसेस ही वुड हैव सर्टेनली लॉस्ट हिज जॉब, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है,
क्या मतलब निकल रहा है इस सेंटेंस का, ही वुड हैव सर्टेनली लॉस्ट हिज जॉब, मतलब उसने अपना जॉब छोड़ दिया होता, उसने अपना जॉब छोड़ दिया होता। लेकिन यहां पर एक शर्त लगी हुई है, यदि ऐसा नहीं होता तो उसने अपना जॉब छोड़ दिया होता। तो यहां पर हमें एक रेफरेंस मिल रहा है कि जो व्यक्ति है वो अपने जॉब को पसंद नहीं कर रहा है इसमें, और यदि सरकमस्टेंसेस ऐसी नहीं होती तो उसने अपने जॉब को छोड़ दिया होता। तो सरकमस्टेंसेस कैसी होती हैं जब एक व्यक्ति जॉब नहीं छोड़ता? यदि आपकी सरकमस्टेंसेस वीक हैं या पुअर हैं या फाइनेंशियल कंडीशन आपकी पुअर है तो आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है और ना चाहते हुए भी आप उस जॉब को नहीं छोड़ पाते। ठीक है, ये कॉमन सेंस अप्रोच है। तो सरकमस्टेंसेज यहाँ पर एक नाउन है, तो यहाँ पर आपको एडजेक्टिव चाहिए, यहाँ पर आपको एडजेक्टिव चाहिए, और ऐसा एडजेक्टिव चाहिए जो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हो। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं मिटिगेटिंग सरकमस्टेंसेज, मतलब पुअर सरकमस्टेंसेस। ठीक है, आप देखिए सरकमस्टेंसेज यहाँ पर नाउन है और मिटिगेटिंग एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। मिटिगेटिंग सरकमस्टेंसेस मतलब पुअर सरकमस्टेंसेस। तो ग्रामर के हिसाब से भी ये वर्ड सही है और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी ये वर्ड सही है, तो इसलिए सही आंसर होगा इसमें मिटिगेटिंग। ठीक है, एग्रावेट का मतलब कम करना होता है। यहाँ पर आपको आईएनजी का एक वर्ड चाहिए, आईएनजी फॉर्म वाला, तो एग्रावेट में तो आईएनजी नहीं है, हालांकि एग्रावेट का मतलब होता है एग्रावेटिंग सर्कमस्टेंसेस हो सकता था। सही, एग्रावेटिंग, एग्रावेट सर्कमस्टेंसेस नहीं बोल सकते हम, क्योंकि एग्रावेट एक वर्ब है और सर्कमस्टेंसेस एक नाउन है, वर्ब के बाद नाउन इस तरीके से यहां पर नहीं आ सकती है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। व्हेन आस्क अबाउट हर फादर शी लॉस्ट हर आउटवर्ड एंथुजियाज्म एंड बिकेम रादर, काफी अच्छा क्वेश्चन है। जब उससे पूछा गया उसके फादर के बारे में, व्हेन आस्क अबाउट हर फादर शी लॉस्ट हर आउटवर्ड एंथुजियाज्म, उसका जो एक्साइटमेंट था, जो एंथुजियाज्म था, वो कम हो गया, वो थोड़ी सीरियस हो गई, एंड शी बिकेम रादर, मतलब एंथुजियाज्म, जब आदमी एक्साइटेड होता है या कोई भी व्यक्ति एक्साइटेड होता है तो ज़्यादा थोड़ा सा बोलता है, लेकिन जब वो थोड़ा सा रिजर्व हो जाता है तो एकदम से कॉन्शस सा हो जाता है वो, जब उससे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसलिए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा रिजर्व्ड, एंड बिकेम रादर रिजर्व। अब रादर जो लगाते हैं ये भी हम नेगेटिव वर्ड से पहले ही लगाते हैं इसको, रादर डल, रादर स्लो, ठीक है, इस तरीके से हम लगा सकते हैं। फेयरली को हम पॉजिटिव एडजेक्टिव से पहले लगाते हैं, रादर को हम नेगेटिव एडजेक्टिव से पहले लगाते हैं। तो रादर जो है, रिजर्व जो है, एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, इसलिए रादर का प्रयोग भी यहाँ पर सही है और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी रादर सही है। तो आपको दो या तीन पैरामीटर पर उस वर्ड को चेक करना होता है, ग्रामर के हिसाब से वो वर्ड सही है या नहीं, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो वर्ड सही है या नहीं, मीनिंग के हिसाब से वो वर्ड सही है या नहीं, और फॉर्म के हिसाब से वो वर्ड सही है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपको प्रैक्टिस से, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस की, उतना आपको बेनिफिट इन क्वेश्चन से होता है। तो इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन है और ये रियल क्वेश्चन है, और सेम इसी तरीके के क्वेश्चन आपको बैंक पीओ के प्री एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, यदि आप गारंटेड सक्सेस लेना चाहते हैं एसबीआई पीओ 2019 में, कैनरा बैंक में, आरबीआई में, या किसी भी इंश्योरेंस एग्जाम में, तो इसके लिए मैंने एक नया टारगेट बैच लॉन्च किया है। इसकी वैलिडिटी 1 साल है, इस कोर्स की फीस 2650 है। इसमें पूरा इंग्लिश और पूरा करंट अफेयर्स आपको पढ़ाया जाता है, और इंग्लिश में आप हाई स्कोर कर सकते हैं इस बैच को ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि इसमें रियल क्वेश्चंस मैं सारे एक्सप्लेन करता हूँ। और इसी का एक शॉर्ट टर्म कोर्स भी मैंने अभी लॉन्च किया है, जिसकी फीस है 1650। इसको आप 6 महीने की वैलिडिटी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, इसी सेम कोर्स को, लेकिन वैलिडिटी उसकी कम रहेगी, केवल 6 महीने उसकी वैलिडिटी रहेगी, लेकिन 6 महीने भी बहुत लंबा समय होता है और काफ़ी अच्छा आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यदि आप 1 साल के लिए लेना चाहते हैं तो 2650 रुपये इसकी फ़ीस है। इन सभी के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से आप इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये न्यू टारगेट बैच हैं और सारे सारे कोर्स, आपका जो कोर्स आप जो देखेंगे वो examinee.in वेबसाइट पर आप देखेंगे। इसको आप मोबाइल पर, लैपटॉप पर, पीसी पर आप चला सकते हैं, और डेली वीडियो क्लासेस इसमें अपलोड होते हैं, मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं, फुल ग्रामर इसमें पढ़ाई जाती है, नए पैटर्न के क्वेश्चंस इसमें सारे कराए जाते हैं। तो इसको यदि आप सीरियसली फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप बैंकिंग एग्जाम में हाई स्कोर आप कर सकते हैं, प्री में, मेंस में, GDPI में और इंटरव्यू में, तो इनको आप कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है तो इन नंबर्स पर आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। आप मेरे फ्री ब्लॉग्स भी पढ़ें, examinee.in वेबसाइट पर जाके ब्लॉग सेक्शन में जाके आप मेरे फ्री ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं।
तो यदि आपको ये वीडियो क्लास अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको लाइक और शेयर करें, और कोई भी कमेंट है और कोई भी आपका डाउट है तो इन ईमेल आईडी पर, इन नंबर्स पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।